के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। सारा दिन धंधा दौरी करते हो, फिर काय के लिए है? करते हो ना, तो जैसे वो भी सब कुछ करने का होता ही है, तो ये भी पुरुषार्थ है। जिसी पुरुषार्थ में अच्छी तरह से अपना अटेंशन देते और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी बाप मिला है इतना समय भक्ति मार्ग में, तो मनुष्यों के द्वारा भक्ति करते कराते चलता आया, अभी स्वयं परम पिता परमात्मा आकर कर करके अभी ये सिखा रहा है। वो हम उनका सीखा हुआ अभी करते हैं, तो उनके सिखाए हुए में से तो हमारा गफलत नहीं होनी चाहिए ना, उसके सिखाए हुए में गफलत का तो नुकसान है, क्योंकि डायरेक्ट शिक्षा दे रहे है ना, तो अभी हम उसके डायरेक्ट सन्मुख वो हमारे हुए है, हम उसके अभी सन्मुख होकर करके बाप से अपना बाप का, टीचर का, सतगुरु का ले रहे है, तो कोई मनुष्य की तो नहीं ना, मनुष्य के साथ हमारी कोई गफलत चल भी जाए, लेकिन ये है अभी डायरेक्ट स्वयं परम पिता परमात्मा, तो उसके साथ तो हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए, और उसी अटेंशन से हम उसे अपना सौभाग्य पा सकेंगे, और चांस भी अभी है। देखते हैं कि बाप कहता है मैं आता भी हूँ तो वृद्ध तन में आता हूँ। देखो संस्कार कितने बहुत जन्मों के पुराने हैं, कड़े है, तो उसी सभी बातों के ऊपर भी अपना पूरा अटेंशन होना चाहिए। ये भी तो बहुत वारी समझाया हुआ है कि कोई भी कर्म करते हो, संभलना कर्म को है, भले कोई संकल्प विकल्प माया के तूफान आएंगे, परंतु उनकी इतनी परवाह नहीं है जितनी कर्म की है। कोई कर्म अगर उल्टा हो गया, रॉन्ग एक्शंस हुआ, तो एक्शंस का बनता है, बुरे का चाहे अच्छे का, लेकिन मन से कोई संकल्प हुआ या कोई स्वप्न उल्टा आया या कोई भी ऐसी बातें, तो वो तो मन की हो गई, नहीं तो उनका इतना नहीं है। हाँ, वो भी छूटेगी तभी जब जितना जितना तुम्हारे एक्शंस राइटियस होते जाएंगे, तो फिर जो ये संकल्प आदि उल्टे सब है, फिर वो भी राइटियस होते जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा जितनी बढ़ती जाएंगी ना, तो उनका प्रभाव वो माइंड के ऊपर, फिर वो भी स्थिरम होती जाएंगी, और फिर सारा दिन इसी विचारों में भी रहने से ज्ञान के किसको समझाना करना, जितना इसमें बिजी रहेंगे, नेचुरल है सारा दिन जो मनुष्य काम करते हैं बुद्धि उधर जरूर जाएगी, फिर कैसा भी कर, देखो धंधा करते हो, ये बनाना है वो, जिसका जिसका बिजनेस है, तो नेचुरल है बुद्धि उसमें भी चली जाएंगी ना, बैठे होंगे तो उधर बुद्धि भागती रहेगी, क्योंकि जो सारा दिन जो बहुत समय जो काम करने का होता है तो उसमें बुद्धि चली जाएगी। तो इसीलिए जितना बाप कहते हैं, बहुत समय का मतलब भी ये नहीं है, अगर समझो आपको धंधा आठ घंटे करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, परंतु अगर बुद्धि की लगन उसी तरफ है, तो फिर लगन की ओर बुद्धि मन भागेगा, भले आठ घंटे उसमें देते हो तो उसका मतलब नहीं टाइम उसमें देते हो इतना उसी लिए, परंतु हाँ जितना तुम्हारा लगन उसी तरफ है, वो तो करना ही है, निमित्त होकर करके करना है, परंतु जिस तरफ लगन होगी बुद्धि उधर खींची जाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जितना जितना अपना इस बात का महत्व अपने में रखेंगे और अपना पुरुषार्थ उसी तरह करेंगे, तो उस पुरुषार्थ की ऐसी प्रालबद्ध भी बनाएंगे, और अपने कर्मों की संभाल रखते रहो, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा कर्म उल्टा न हो जिसके भागे फिर उसकी चोट भारी लगती है, क्योंकि ज्ञान में आकर के समझ कर करके कोई उल्टा करता है ना, तो उसकी फिर बहुत दोष के भागी भी बनते हैं, और फिर उसकी सुख्यम अपने आप में सजा, पर कई प्रकार की वो ऐसे भी नहीं है, जो हम अभी करते हैं उसकी भोगरा अभी भी पाते हैं, ऐसे नहीं है कि अभी जो करेंगे पीछे ही पाएंगे, नहीं, बहुत कुछ हम अभी भी पाते हैं, बहुत कुछ रह जाता है तो पीछे भी पाते हैं, तो
जो करते हैं वो पाते भी है नहीं, तो यहाँ की यहाँ भी सजा हो सकती है। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलनी में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलनी में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि